हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग ने फिजिकल क्वालिटी पढ़ा था, फिर केमिकल क्वालिटी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी। बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी क्या मैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, वाटर में बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस। जो बैक्टीरिया होता है वो दो तरह का होता है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया और दूसरा नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिससे हम लोग को हार्मफुल डिजीजेज होता है, और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ये जनरली हार्मफुल नहीं होता। लेकिन जो टेस्टिंग और काउंटिंग होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया का, वो काफ़ी कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पैथोजेंस का टेस्ट करते ही नहीं हैं। हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का, यानी जिसको कॉलीफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कॉलीफॉर्म्स का प्रेजेंस और अब्सेंस हम लोग को ये इंडिकेट करता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। कॉलीफॉर्म जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक हो गया बी कॉली और दूसरा होता है ई कॉली। और ये जो होते हैं वो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स हैं उनके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हम लोग पिछले फिजिकल क्वालिटी में या फिर केमिकल क्वालिटी में हम लोग टेस्ट पढ़े थे, उसी तरह अब हम लोग टेस्ट फॉर कॉलीफॉर्म्स, यानी कैसे ये पता करते हैं कि कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है वाटर में या नहीं। तो इसका दो तरह का टेस्ट होता है, एक तो हो गया मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक और दूसरा होता है एमपीएन मेथड। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस बार हम लोग देख लेते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में क्या होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है और ये सब रिसेंट मेथड है कॉलीफॉर्म को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्टेराइल मेम्ब्रेन होता है जो 80% पोरोसिटी होता है, जिसका 80% पोरोसिटी होता है। स्टेराइल मेम्ब्रेन फिल्टर होता है जिसपे 80% पोरोसिटी, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वाटर सैंपल को इसके ऊपर पॉट कर देते हैं, और उसके बाद फिर इसको क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के कांटेक्ट में आता है। जैसे मैंने फिगर में दिखा रहा, ध्यान से देखिए, ये हो गया स्टेराइल मेंबर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को पॉट कर दिए, फिर इसमें क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स के कांटेक्ट में लाते हैं। न्यूट्रिएंट्स को कांटेक्ट में लाने के बाद अब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स में जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, कॉलीफॉर्म कॉलोनी जो होता है, यहाँ पे जो कॉलीफॉर्म कॉलोनी प्रेजेंट होता है वो ग्रोथ करता है, यानी इट परमिट्स द ग्रोथ ऑफ कॉलीफॉर्म कॉलोनी। अब क्या करते हैं, इसको 24 आवर्स तक 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ विजिबल कॉलोनी जो होता है, जितने भी कॉलोनी हम लोग के लिए विजिबल होता है उसको हम लोग काउंटेड कर लेते हैं, और वही इसका कॉलीफॉर्म हम लोग को इंडिकेट करता है। ये था हमारा वीडियो मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमपीएन मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।